मोक्ष एवं ज्ञान की नगरी के रूप में प्रसिद्ध गया जिला कृषि के क्षेत्र में पूरी तरह से वर्षा पे आश्रित रहा है। पारंपरिक रूप से गया जिला के किसान धान एवं गेहूं फसल चक्र को अपनाते रहे हैं, परंतु धान गेहूं की फसल में ज्यादा सिंचाई के पानी की आवश्यकता होती है एवं लागत के अनुपात में आय बहुत कम प्राप्त होती है। कालांतर में गया जिला नक्सलवाद की चपेट में आ गया एवं यहां नक्सली अवैध रूप से अफीम की खेती करने लगे। झारखंड राज्य से सटे गया जिले के पहाड़ों से घिरे बाराचट्टी, इमामगंज, डुमरिया, बांके बाजार प्रखंड के किसान बंजर जमीन एवं सिंचाई के अभाव में धान गेहूं की खेती कर किसी प्रकार अपना जीवन यापन कर रहे थे। ऐसे में 2021-22 में आत्मा गया ने जिला प्रशासन गया के सहयोग से बाराचट्टी, बांके बाजार, इमामगंज, गुरुआ एवं कोच प्रखंडों में 20-20 एकड़ के 5 क्लस्टर सहित कुल 100 एकड़ में महिला किसानों के साथ लेमन ग्रास की खेती कराने हेतु प्रयास किया। किसानों का समूह गठित कर राज्य के बाहर प्रशिक्षण के लिए सी मैप लखनऊ भेजा गया। किसान गोष्ठी एवं किसान पाठशाला का आयोजन कर स्थानीय स्तर पर प्रशिक्षण दिया गया। आत्मा के प्रोत्साहन एवं प्रशिक्षण के फलस्वरूप यहाँ की महिलाओं ने लेमन ग्रास की खेती वैज्ञानिक तकनीक से उत्साह पूर्वक शुरू किया। शुरुआती दौर में सिंचाई की समस्या के समाधान के लिए स्प्रिंकलर प्रणाली को अपने खेत में लगवाए, जिससे इनकी सिंचाई की समस्या का समाधान हो गया। आसवन यंत्र के माध्यम से लेमन ग्रास की पत्तियों से तेल निकालने की प्रक्रिया शुरू की। बाराचट्टी प्रखंड के जयगीर पंचायत के अंजनिया टाड़ गांव की महिला किसान श्रीमती मंजू देवी ने लेमन ग्रास की खेती में अग्रणी भूमिका निभाई और अन्य महिला किसानों को लेमन ग्रास की खेती करने हेतु प्रोत्साहित भी किया। आज महिलाएं लेमन ग्रास का तेल 1,000 से 1,500 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच रही हैं। इन महिला किसानों को उद्यान निदेशालय गया से कन्वर्जेंस कर लेमन ग्रास के स्लिप उपलब्ध कराए गए। सिंचाई व्यवस्था के रूप में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली लगवाई गई। साथ ही लेमन ग्रास की पत्तियों से तेल निकालने के लिए आसवन यंत्र लगवाए गए। किसानों को लेमन ग्रास का तेल निकालने के लिए व्यापारियों से जोड़कर विपणन की व्यवस्था की गई। समय समय पर आत्मा गया एवं कृषि विभाग के वैज्ञानिक लेमन ग्रास के खेतों पर जाकर किसानों को तकनीक के साथ अच्छी खेती करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, जिसके अंतर्गत महिला किसानों की मांग पर लेमन ग्रास के तेल से बनने वाले उत्पाद साबुन, सैनिटाइजर, फिनाइल आदि बनाने का प्रशिक्षण दिलवाना भी शामिल है। महिला किसानों की मेहनत और कृषि विभाग का सहयोग का फल ही है कि इनके द्वारा निर्मित उत्पादों को देखने बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार स्वयं उनके गांव पहुंचे और लेमन ग्रास की खेती का निरीक्षण किया और लेमन ग्रास के तेल से बने उत्पादों को देख किसानों के मनोबल को बढ़ाया। आज यहां के किसान आत्मनिर्भर होने के साथ साथ दूसरे किसानों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन गए हैं। आत्मा गया के प्रयासों से कृषि विभाग एवं जिला प्रशासन गया के सहयोग से किसान प्रति एकड़ 80,000 से 1,00,000 रुपए की शुद्ध आय प्राप्त कर रहे हैं और धीरे धीरे नक्सलवाद एवं बंजर भूमि की समस्या से मुक्त हो रहे हैं।